नासदासिन्नो सदासित्तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्बः किमासीत् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत् नहीं था असत् भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था छिपा था क्या कहा किसने ढका था उस पल तो अगम अतल जल भी कहा था برطانوی حکومت کے تقریباً 100 سال بعد اتر بھارت میں بغاوت کا جذبہ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا، خاص طور سے جاگیرداروں اور ان کے حمایتیوں میں، عام جنتا میں بھی کافی بے چینی تھی اور برطانوی حکومت سے مخالفت کا احساس بھی پھیل رہا تھا۔ اونچے طبقوں میں سرنگیوں کے غرور اور حقارت بھرے انداز سے شدید بیزاری تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازموں کی جہالت اور غارت گری نے لوگوں کی زندگی دشوار کر دی تھی۔ انہیں نہ تو ہندوستانیوں کی پرانی پرمپرا اور وزیداری کی پرواہ تھی اور نہ ہی ان کے جذبات اور خیالات کی۔ بے شمار لوگوں پر پورا قابو پا کر ان کے دماغ پھر گئے اور وہ بے روک ٹوک اپنی منمانی کرنے لگے۔
पहुंची गए ठिकाने पे? हाँ पहुंच गए पहुंच गए। लेकिन आपका रैन बसेरा किधर होगा? हाँ हमारी भली चलाई, बड़ा लंबा सफर है हमारा, तो हम तो सांझ को ही निकल लेंगे, पर जरा सुस्तान है। रात में सफर? हमें कौन चीज का डर है, कौन हम अकेले हैं? आप लोग सिपाही हैं क्या? आहो कहाँ चली सवारी? यहाँ मन करे हम तो पूरे मुल्क में घूम रहे हैं। हम भी यात्री हैं, कोकण के एक छोटे से देहात के। ये विष्णु पंत हैं और हम कृष्णाजी पंत हैं। ग्वालियर चले हैं। ग्वालियर? प्रणाम ब्राह्मण देवता, आप ग्वालियर कहे के लिए जा रहे हो? ये यात्रा का वक्त नहीं है। ग्वालियर की सिंधिया रानी बाईजाबाई एक बहुत बड़ा यज्ञ करा रही है, सुना हजारों ब्राह्मण इकट्ठा होंगे, विद्वान ब्राह्मणों को मोटी दक्षिणा मिलेगी, भगवान ने चाहा तो हमें भी कोई दाता जजमान मिल ही जाएगा। कहाँ विंध्याचल के पार कोकण और कहाँ ग्वालियर, जरूरतें का है इतनी दूर जावे की? वहाँ रोटी के लाले पड़े हैं गांव में। जब हमारे मुल्क में श्रीमंत पेशवा राज किया करते थे तो हर कोई सरदार कोई न कोई धर्म कर्म का अनुष्ठान कराता रहता था, पूजा महापूजा महारुद्र शतचंडी वगैरह। अब पेशवा को ही पुणे से हटा दिया गया तो सरदारों को कौन पूछता है? और दिन भी ऐसे आए हैं ना भाई कि धर्मनिष्ठा उठती जा रही है। बरसों बाद ये महायज्ञ का आयोजन हो रहा है ये सुना, सो चले हैं, कुछ न कुछ तो कमाई हो ही जाएगी। आप विद्वान बामन हो, हम अपर गमार सिपाही, खेती उती मां बैल संगे जुते। आप लोक की जानो परलोक की जानो, पर ई बखत हमरी बात मानो, सीधे गांव लौट जाओ। लौट जाओ? कहां लौट जाओ? और लौट कर खाएंगे क्या? नहीं भाई, ग्वालियर के महायज्ञ से हम उम्मीदें बांधे हुए हैं। तो ही समझ लो कि यज्ञ होने के आसार नहीं है। क्या क्या भाईजा भाई ने विचार बदल दिया है? और ये आपको कैसे मालूम? इनकलाब शुरू हो गया हैगा। इनकलाब? तुम नहीं जानते क्या? अंग्रेजों के खिलाफ जंग छिड़ गई है। और नहीं का, मेरठ और दिल्ली तो आजाद करा लिया हैगा, अभी और युद्ध होएगा और लहू बहेगा। राज डूबेंगे पंडित, राजा बदलेंगे। मगर कैसे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की कौन हिम्मत कर सकता है? हम सिपाही और हमारे संग रैयत, तलवार धारे बंदूक धारे ओ और जो हल उठाए ओ, हम दो गोरे का समुंदर में डुबाए के रहेंगे ससुर। मगर कैसे, अंग्रेज बड़ा ताकतवर है। हमसे कोई कह रहा था कि उसके राज में न्याय चलता है और हमने सुना है कि बहुत कुछ बदल रहा है। ऐसी ऐसी नई चीजें आ रही हैं हिंदुस्तान में जो पहले कभी नहीं आई। हमने तो ये भी सुना है कि लोहे के छड़ों पर बगैर घोड़ों के इतनी बड़ी गाड़ी चलाता है अंग्रेज। बदला हैगा, बहुत बदला हैगा, पर ऐसा जिससे खराबी होएगी। हम आप ही से पूछते हैं, बुरा जमाना कौन लाया? अंग्रेज। एक तो हमारे राजे महाराजाओं को गद्दी से हटाए लिए और अब ऊपर से हमारा धर्म भी बर्बाद करने पर आमादा है ससुर। सच? सच पाई पाई सच। आपके गांव में ये खबर नहीं पहुंची है, आपको नहीं मालूम? हमको मालूम, हम इन आंखों से देखे हैं सब। बताओ। जहां दूध की नदियां बहती, छलका पूतों का अभिमान, छलका पूतों का अभिमान, पेड़ पेड़ उगता था मोती, धरती थी सोने की खान, धरती थी सोने की खान, हंसी गूंजती थी किसान की, कारीगर खुशहाल रहा, कारीगर खुशहाल रहा। फिरंगी वो दूर देश
से आया फिरंगी कहे कि मैं करता व्यापार एक हाथ में लिए तराजू दूजे में थी छुपी कटार दूजे में थी छुपी कटार दूजे में थी छुपी कटार टुकड़ा टुकड़ा खाई फरेबी बंदर ने बिल्ली की जान नंगा सचारा का राजा मर गया मर गया उसके कोई औलाद नहीं कोई औलाद नहीं नहीं अच्छा है बहुत अच्छा है छठ बजी हाँ जल हो जी तुमको देता पूरी छुट्टी मजा मारो अच्छा झांसी का राजा भी मर गया क्या बोला झांसी का राजा भी मर गया तो झांसी भी हमारा झांसी जल हो जी का रानी साहिब I regret to inform you that the Governor General is not in a position to recognize your adopted son as the lawful heir to the throne of Jhansi. ये फैसला किस आधार पर किया गया है? It is the company's opinion that the Peshwas were the legitimate heirs to the palace of Jhansi. Once they gave it to the company, your family can no longer claim subadari rights. Major Ali Sahib, कंपनी सरकार ने हमारे साथ संधि की थी आपने राजा की उपाधि भी बख्शी थी और अब That was then, Mr. Moripant. Things are different now. कंपनी सरकार के साथ मेरे पुरखों ने मेरे पति ने भी हमेशा दोस्ती के संबंध रखे हैं समय समय पर कंपनी की सेवा की है दोस्ती में भी क्या तब से अब बड़ा होता है संधियां क्या केवल कागज पर लिखे शब्द होते हैं प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टैंड आवर इंटेंशंस We are fully conscious of your own interests. You will receive a pension of 5,000 rupees a month. But this is on condition that you relinquish the Royal Palace of Jhansi to the East India Company. आप हमें रानी भी कह रहे हैं और धमकी देकर हमारा राज भी छीन रहे हैं। आप जो कर रहे हैं उसे हमारे यहाँ दगाबाजी कहा जाता है। मेरी कंपनी सरकार से अब भी प्रार्थना है। हमारे बेटे को हमारा वारिस मानते हुए उसे झांसी की राजगद्दी का हकदार माना जाए। You have no cause for complaint. You have our offer of a handsome pension and the city palace. लेकिन झांसी से हमें बेदखल कर रहे हैं। कह दीजिए आपके लाट साहब से, झांसी की रानी खैरात पर जीना नहीं सीखी है। झांसी हमारी थी, अब भी है। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी।
Greetings, Your Royal Highness. I trust you are well. अच्छी सेहत की ममानियत की नहीं अब तक आपने, कर्नल उत्तम. We will always care for Your Highness and for your subjects. क्या आपको हमारी रियायत से कोई परेशानी? क्या वो आपसे ये शिकायत करने गई थी कि वाजिद अली शाह को हटाकर अवध की हुकूमत खुद संभाल ले लाट साहब? I'm afraid Your Highness is hardly in a position to give attention to their problems. The royal harem, the musicians, the nutch girls. Well, I mean, really, all these barely leave you any time at all to pay attention to other matters. क्यों ढोंग रचाते हैं कर्नल? आपको तो सिर्फ ज्यादा आमदनी चाहिए. अवध की दीवानी खुद संभाल कर आप अपने खजाने भरेंगे लाट साहब. Your Highness has had 2 years to put matters right. ये हक किसने दिया आपको? हम एक ही फरमारवा के तस्लीम करते हैं और वह है दिल्ली का बादशाह. The company has noted that everything is not right in Oud. Your Talukdars are subjecting the ryots to inhuman extortion and to torture. मारने वाले कंपनी बहादुर के सिपाही जिसके तनख्वाह आप हमसे दिलवाते हैं, जबरदस्ती की रकमें जो वसूल की जाती हैं वो सिर्फ आपके कहने पर. रियाया नाखुश है तो उसके कसूरवार आप. I fear we are engaged in a futile conversation. सही फरमाया, इसलिए कि आप पूरी तैयारी के साथ आए. हम अगर मुकाबले की बात भी करें तो आप लखनऊ में कत्लेआम का हुक्म दे देंगे. Then let us agree to live in peace, Your Highness. I have a mandate. A mandate to inform you that Your Highness will move to Calcutta, where you will receive a pension of 12 lakhs of rupees. May I present the proposal to Your Highness for formal approval? Maida? Maida, barabar ki taqton mein tay kiya jata hai, resident sahab. Aapko jo elan karna hai, wo khud hi kar dijiye. साहब इसे भी रख लीजिए, यह हमारी शान और शौकत की आखिरी निशानी है. लेकिन आपने हमारे लिए जो वजीफा मुकर्रर किया है क्या वो एक बादशाह के लिए काफी है? मेरी कंपनी बहादुर से यह गुजारिश कि एक बार अपने फैसले को फिर से गौर करें. ओ चीना हक नवाब का भेज दिया कलकत्ता, प्रजा की खातिर तजी उसने पूरी सत्ता. थूक चाटने में चतुर वही बचे अलबत्ता, बाकी इक इक कर गिरे जैसे पेड़ से पत्ता, बाकी इक इक कर गिरे जैसे पेड़ से पत्ता. हो भैया, राजा महाराजा किसान मजूर सबन का एक ही चक्की में पीस के धर दिया हैगा ससुर. ताल्लुकदार इनके सोई हक खूब छीन लिए हैं. अब वो मालगुजारी वसूल करने के हकदार नहीं रहे, किसानन से सीधे वसूल करता आएगा गोरा. बहुत ही अंधेर खाता आएगा भैया. हमारे वहाँ एक शिवबरन सिंह ठाकुर थे, गरीब किसान थे बेचारे, मालगुजारी के 5 रुपया नहीं दे पाए. अच्छा, तो इन गोरन ने उनके खेत लीलाम करवाए दिए. अच्छा, बताओ ये भी कोई बात हुई? अब भीख मांग रहे हैं शिवबरन सिंह ठाकुर. ऐसा कबू नहीं हुआ, किसान की जमीन नहीं छीनी कोई ने. सही बात, एकदम सही बात. खड़ी फसल कट गई, दो ढंगर छिन गए, जमीन ना छीनी कोई ने. अब तो भैया कागज पे लिखा उनने, ओ आप बेदखल. अच्छा, आप तो लगान और माल गुजारी का भी कोई हिसाब किताब नहीं है. गोरा आता है यस फास्ट नाउ डैम फूल.
जो मुंह में आए बोल देता है। गोरा ना हुआ परम देव हो गया ससुर। बाढ़ आए सूखा पड़े लगान देना ही पड़ेगा। देना ही पड़ेगा। पहले अच्छा था कि तालुकेदार के यहां जाओ, थोड़ा मुश्किल कठिनाई बयान करो, जरा हाथ जोड़ लो, और नहीं तो है? तो वो रब्बी का खरीफ में और खरीफ का रब्बी में मिला मिलू के संभाल लिया करे। अब कहो तो बालू रगड़ के तेल निकला है, पर फिरंगी नहीं पसीजेगा ससुर। इनामे डूब गई, देवल मस्जिद को खराज में मिली जमीने तक नहीं छोड़ी कमबख्त करने। टकस देना मांगता, चाहे जमीन बादशाह ने अता की हो चाहे पेशवा ने। कितने रो चीखो हाय तोबा मचाओ, कोई सुनवाई नहीं। दैट्स आउट टू रास्कल। यही देख देख के हमार बब्बा हमसे बोला, यो बेटा रामदीन तैं सिपाही बन जा। तो भैया पुरखन ने तलवार चलाई और हम भी भर्ती हो गए। तो का है आसमान से गिरे और खिजूर में अटके। बहन के भाई गोरा है का बड़ा चालबाज, नहीं हिंदुस्तानी फौजन को वहां भेजेगा लड़ने के लिए जहां खुद ही जाते खुद ही लड़ते पूंख सकती आएगी है। हमको भेजेगा कहां? काले पानी, चीन, अफगानिस्तान, बरम देश कि जाओ लड़ो और जानवर की नहीं मर जा ताकि लाश तलक सड़ जाए तुम्हारी। अपने मुलक से कोसन दूर। मालिक की कितनी ही सेवा करो कितनी ही वफादारी दिखाओ, हिंदुस्तानी ब्लैक आदमी कभी अफसर नहीं बन सकता हैगा। अफसरी करेगा गोराई, हिंदुस्तानी तो बस गुलामी कर सकता हैगा। मालूम है पंडित जी, अब तो हड्डी आटे में पीस के मिला के देता है हमको। लो शक्कर में हड्डी, पानी में चमड़ा और घी में चर्बी, चाय में भिरिष्ट मिलावट ससुर। और वो नया वाला कारतूस, वो भी नई राइफल दी हैगी, नया कारतूस हैगा उसका, बोला पहले से लाख गुना अच्छी, बड़ी कारगर होती हैगी, गोली की मार दूर तक लग जाती हैगी और तीर की नाई चलती हैगी, महफूज रहोगे। नया कारतूस मुंह से छील के लोड करना पड़ता हैगा और कारतूस पर चुपड़ी होती हैगी चिकनाई, सो भी गऊ और सुअर की चर्बी की, मुंह से छूते ही धर्म डूबा, हिंदू का भी मुसलमान का भी। अगर आप इनकार कर दो छूने से सो ये आपकी छुट्टी, सुमांगो भी लेके कटोरा हाथ में, रेजिमेंट के रेजिमेंट बर्खास्त कर दिए आएंगे धर्मियन ने। अरे बहिराव, क्या लुगाई इन जैसी चूड़ी पहने हो का? अरे सोख तुम्हें भगवान की, अपने पिता अपनी मैया की, अरे कब तक दहवे करोगे जुलुम जबरदस्ती? अब तो आंखें खोल के देखो, कतब होश में आओगे जब धर्म भ्रष्ट हो जाओगे। कड़ा बाहर, ए मरद बच्चा निकसा बाहर।
आका पगलाए गए होगा मंगल पांडे, का कर दो का कर दो। घड़ियाल बजा दो, बजा घड़ियाल, बुला सिपाही इनको, तेरी आंखें फूट गई हैं का? अरे गौरन की पलटन आ रही है, कल ही आधी नदी किनारे उतरी, कल आवेगी परसों आवेगी, हम सब उनको काट भून के नदिया में बहाई देगी। उन सबन को जो मुंह से कारतूस नहीं छीलत है, बजा कर तू बजा चल। ए का होई गवा, रेफर उठावे के टाइम आ गया भैया, फिर अबेर हो जाएगी। 5,000 गौरन की पलटन आ रही है, खत्म करो ससुरन को। काहे ठाड़े, काहे ठाड़े, क्या धर्म गवाई के नरक में सड़ोगे का? उठाए राइफल और मिटाए दे अंग्रेजन का। जय काली, जय बजरंग बली, या अली। ए कौन है तू? हम मंगल पांडे। इधर गाय को आया ब्लडी फूल, राइफल के गाय को चिल्लाता, पंखा नशा नहीं उठा। चुप रहना मानता, अब तुम्हारा राज खत्म हो गया, जाओ अपने मुल्क को जाओ। हम तुमको 2 मिनट का टाइम देता। नशा में है बदतमीज, चलो उसको पकड़ो। ये राइफल भरी हुई है हुजूर। ब्लडी कावर्स तुम सब, काला रंग का पैदाइशी कायर साला। देखा देखा तुम लोगों ने, कितना आसान है, गुरुन का भी खात्मा कर दे सकते हम, एक तरह की जरूरत नहीं है। चलो चलो और खत्म करो। Who is this idiot? आओ भैया, आओ, चलो। Why have you allowed him to be here? तेरा हिम्मत दिखाओ भैया, बहुत आसान है, आओ। Why has nobody seized this troublemaker? अरे का धर्म कबा के रहोगे का? अरे बोलो। Hey you, now give your rifle to the Jamnadar. Come on, be quick about it. अबे जा तू जन्नू में सुअर की औलाद, चल। हम बेइज्जत होके नहीं जी सकते हैं, तुमरे माफी हम नहीं झुक सकते हैं, हम नहीं झुक सकते हैं। राम राम। जमीदार, seize that man. बड़ी शर्म की बात है भैया, पर सच कहना ही होगा, पर सच कहना ही होगा।
हम तुम सबको दोबारा बताता है कि इस कारतूस पर न गाय का न सूअर का चर्बी चढ़ा है, यह अफवाह है। यहां का बदमाश लोग ऐसा अफवाह फैलाता है, लेकिन तुम सब सिपाही हो, तुमको ये कारतूस इस्तेमाल करना पड़ेगा, तुम मना नहीं कर सकता। आज हम जो प्रैक्टिस करेगा तो इसी कारतूस के साथ हम सबको दिखाएगा कि थर्ड नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही कितना वफादार और कितना बहादुर होता है। कारतूस ले लो, कम ऑन। आप कोई और हुक्म दीजिए साहब, हम मानेंगे, मगर ये नहीं कर सकते। इन कारतूसों में गलीज चिपका हैगा, ये नापाक हैगा। तुम अगर ये कारतूस नहीं लेगा तो हम तुमको गिरफ्तार करेगा, हम तुमको कोर्ट मार्शल करेगा। न पैसे को मिला हुकुम, पचासी ने माना ना हुकुम, पचासी ने माना ना हुकुम, हे पाँच जिने कोई ना गिला, बाकी को कारावास मिला, बाकी को कारावास मिला। उन सबको किया कोर्ट मार्शल, आया दंडित करने का पल, आया दंडित करने का पल। उनको परेड पर ला करके औरों से उन्हें अलग करके तोपो के आगे खड़ा किया, फिर बड़ी अकड़ से दंड दिया। तोपों के आगे खड़ा किया, फिर बड़ी अकड़ से दंड दिया, तोपों के आगे खड़ा किया, फिर बड़ी अकड़ से दंड दिया, तोपों के आगे खड़ा किया, फिर बड़ी अकड़ से दंड दिया। जनरल कोर्ट मार्शल ने तुम सबको गुनहगार ठहराया है, तुमने जानबूझकर हुक्मदोली किया, तुमने अपने अफसर का सही और कानूनी आज्ञा का पालन करने से जानबूझकर मना किया। हम तुम सबसे बोला, हम तुमको प्रॉमिस किया कि कारतूस पर कोई चर्बी नहीं है, तुम्हारा मजहब तुम्हारा धर्म को कोई धक्का नहीं पहुंचेगा, लेकिन तुम नहीं माना, तुम अपना वर्दी बेइज्जत किया। लिहाजा अब तुम हमारे आर्मी का सिपाही बनने का हकदार नहीं रहा, इसलिए तुमको बेइज्जत होकर बर्खास्त किया जाता है। तुम सब ने गुनाह किया, इसलिए तुमको 10 साल का सजा दिया जाता है। दे फाड़ के देखते हैं, कुछ कहते नहीं है, कहा तुम्हें जो कारतूस मंजूर है। अरे इन लाल मुंह वालों के खिलाफ ठाड़े हो जाओ जो हमारा धर्म बिगाड़ने की कारस्तानी कर रहे हैं। इधर वफादारों की बंदूकों का खौफ, उधर गोरों की भस्मा सुरतोप, आतंक ले आया ऊपरी शांति, मगर अंदर अंदर थी अशांति। इधर क्रोध की सीमा चरम और उधर गली कूचों में अफवाहों का बाजार गरम, चारों तरफ सनसनी, आज हो के रहेगी अनहोनी। मगर अंग्रेज अकल का मारा, सुन ही ना पाया बगावत का नकारा, खुशी खुशी क्लब में जाता रहा, हमारे सिपाही वफादार, हमारे सिपाही वफादार, यही गाता रहा। दिन गुजरे, रातें बीतती गईं और आई सन 57 की 10वीं मई, महान विद्रोह शुरू हो गया, यज्ञ का कुंड प्रज्वलित हो गया, बंदूक लिए बागी सिपाही दौड़ा गया जेल खाने, अपने कैदी साथियों को छुड़ाने, हेडक्वार्टर पर बोल दिया धावा, ब्रिटिश दस्तों को हराया, कर दिया अंग्रेज का सफाया, हो गया मेरठ पर बागियों का कब्जा, हो गया मेरठ पर सिपाही का कब्जा। भैया मेरठ पर तो अपना कब्जा हो गया, अब बताओ अब क्या करें।
मोर्चा बंदी करें, गोरा हमला जरूर करेगा, हमें लड़ना पड़ेगा। हम यहाँ बंद के नहीं रहेंगे, छोटी मोटी बगावत है का, इनकलाब है इनकलाब। जल्दी हो गई भैया, जल्दबाजी हो गई। नहीं सो का भाई, हमने शुरुआत कर दी आएगी, अब जल्दी हो चाहे बाद में हो। चलो चल के अपने बागी सिपाही भैया से जा मिले। कहाँ चलेंगे? लखनऊ। लखनऊ का है कहाँ पता, वहाँ कितनी तैयारी है, और वहाँ गोरा मजबूत हुआ तो कहाँ चलें? ऐसा करें कानपुर चलें। कानपुर कहाँ है? वहाँ अपने अगवा है ना नाना साहब पेशवा, तो अगर बे तैयार नहीं हुए तो अपन खामखा काहे को चल के उनके काम में खलल डालें। तो दिल्ली चलें। दिल्ली दिल्ली। अरे दिल्ली का है, अरे हमने गोरन का तख्ता पलट दिया है ना, हमने उनको समंदर में ढकेल दिया है। हमारा राजा कौन? दिल्ली का बादशाह। दिल्ली का बादशाह पूरे मुल्क का, पूरे हिंदुस्तान का बादशाह। और बादशाह कहाँ? दिल्ली में, और हमारी राजधानी दिल्ली। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो चलो चलो। हम सब के सब अपर सिपाही जो पढ़े लिखे सो अंग्रेजों के वफादार और ताबेदार, हमें ना कोई बतलाने को अब क्या करें, कहां हम जाएं? हमें जरूरत एक समझदार नेता की, ऐसा नेता जो हमको रास्ता दिखाए, हमें अपना फर्ज समझाए। हम तो भैया इतना जाने, फिरंगियों का जुल्म खत्म हो, इनके लगाए टैक्स खत्म हो, लौट जाएं वो घर को अपने, हम भी सुख से रहें यहां घर पर अपने। अंग्रेजों के बाद क्या होए, किसका राज यहां पर होए, हम ना जाने। इतना जाने दिल्ली में रहता है बादशाह मुल्क का, तो भैया हम दिल्ली जाते, अपने मुल्क के बादशाह से मिलने हम दिल्ली जाते, खलक खुदा का मुल्क बादशाह का। चल रे सिपाही दिल्ली चल, दिल्ली चल। लो भैया आएगा दिल्ली, यहां तो गहरा सन्नाटा छाएगा, कोई सरगर्मी नहीं। मगर भैया अपने इकल्ले की ताकत पे कैसे करेंगे बगावत, अंग्रेज बहुत मजबूत हैगा, बहुत ही मजबूत। तो का? अरे हम बादशाह की मदद करेंगे। हाँ मदद करेंगे, रेजिमेंट तैयार है और रैयत भी हमारे संग हैगी। अरे भैया बादशाह का चाहता हैगा? तुम भी यार हो पूरे उजबक का है। अब बादशाह का आने के तुमसे सलाह करेंगे, एक तो बेचारे बुढ़े और दूजे कमजोर। अच्छा बताओ अब क्या करेगा चाहिए? अरे करना कहा है, हम जाके बादशाह से गुजारिश करेंगे कि ई रहा ताज और ई है तखत। सही, ताज को आप सर पर रखें और तखत पर बैठें और देश की हुकूमत चलाएं और का बस। चलो चलो आप बस चल ही दो। हाँ चलो, चलो। हम दिल्ली की तरफ बढ़े, खूब लड़े अंग्रेज, दिखाई बहादुरी पर का करते, मदद की वो राह देखते खड़े रहे दिल्ली के बाहर, आनन फानन हुआ हमारा कब्जा दिल्ली शहर पर। जापना जापना बलवाई सिपाही किले में घुस आए। क्या महल के अंदर दाखिल हुए हैं? जी हुजूर, वो तमाम दिल्ली शहर को काबिज कर चुके हैं और हुजूर की हाजिरी में पेश होने की इजाजत चाहते हैं। लेकिन वो अंग्रेज कहां है? अंग्रेजों को इन सिपाहियों ने मौत के घाट उतार दिया हुजूर। या अल्लाह, कमिश्नर फ्रेजर साहब कहां तशरीफ रखते हैं? जहां बना फ्रेजर साहब बहादुर सबसे पहले मारे गए। हाय 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 हाय, खुदा उन्हें जन्नत बख्शे। आखिर ये बलवाई हमसे चाहते क्या हैं? वो हुजूर को हिंदुस्तान की बादशाही का ताजो तक नजर करने आए हैं। हमें हमारी ये उम्र, हमारी ये सेहत। जिल्ले सुबानी, आप ही तमाम हिंदुस्तान के जायज बादशाह होंगे, सिपाही भी यही मानते हैं। कितनी देर तक हम पहन पाएंगे ये ताज जिसे वो नजर करना चाहते हैं? कितने दिनों तक हम रह पाएंगे तख्त नशीन जिस पर वो जोर डालते हैं? शायद हमेशा के लिए हुजूर। जनाब नाना साहब पेशवा बिठूर वालों की कार्रवाई कारगर साबित हो रही है, हुजूर मना ना करें। हाँ, मना करने की ताकत भी तो नहीं रखते हम। कल तक अंग्रेजों से घिरे हुए थे और आज
आज इन बलवे सिपाहियों से घिरे हुए हैं। कोई चारा नहीं सिवाय इसके कि हम ये ताज अपने सर पर रख लें और तख्त नशीन हो जाएं। जब तक है तब तक है, आगे वही जो अल्लाह को मंजूर, वही जो अल्लाह को मंजूर। जहांपना, अगर अंग्रेज फतह हासिल करेगा तो हुजूर हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह होंगे, और अगर उनकी हार हुई तो हुजूर तारीख में सुनहरी हरफों में लिखा जाएगा कि बादशाह बहादुर शाह जफर ने मुगलिया ताकत और शान और शौकत को दोबारा कायम कर दिखाया। आग फैलती, आग फैलती, जलती है पूरा पश्चिम, उत्तर दक्षिण बचे तो कहते घुटता था गोरों का दम, घुटता था गोरों का दम। लाल मुहे बंदर हम भेजे तुझको सात समंदर पार, आजादी का रथ लूटेंगे हिंदुस्तानी फिर एक बार, आजादी का रथ लूटेंगे हिंदुस्तानी फिर एक बार। कोई न हमको कह पाएगा काला आदमी तुम डेफूल, लूट के लात मारने वाला अब खुद ही चाटेगा धूल, लूट के लात मारने वाला अब खुद ही चाटेगा धूल, लूट के लात मारने वाला अब खुद ही चाटेगा धूल, अब खुद ही चाटेगा धूल। जमादार साहब, क्या मुगल पाशा दोबारा सिंहासन पर आ गया है? हाँ आ गए होंगे, पर ये सब आपको कैसे मालूम? हम इनकलाब के संदेशिया होंगे और प्रचारक, अभी सभी रेजिमेंट बागियन में शामिल नहीं हुए होंगे, इसलिए हम सबन के ताई जा रहे होंगे और कह रहे होंगे उठो। पर क्या वो उठेंगे? उठेंगे, वो 100% उठेंगे, जबरदस्त जंग होगी, आप लौट ही जाओ। लौट जाओ? लौट कैसे जाओ? वहां गांव में हमारा महाजन जो बैठा है उसको क्या दे? अब नहीं जा सकते, अब आगे के क्या? हम तो झांसी जा रहे हैंगे। तो हम भी आप ही के साथ चले चलते हैं ना झांसी, आप साथ होंगे तो यात्रा में रक्षा भी रहेगी, और क्या पता झांसी पहुंचते ही हमारे भाग भी खुल जाए। पंडित जी महाराज, आप हो असली दक्षिणा बाज पंडित। कोई बात नहीं, आप चलो हमारे संग, झांसी की रानी से मिल लो, आपको अच्छी जजमानी मिलेगी। आपके मुख में पेड़ा मोदक है। चलो 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 चलो। हाँ जी चलिए चलिए। अच्छा पंडित जी, हम तो छावनी की तरफ जा रहे होंगे, आप जो सड़क पकड़ लो, रानी शहर वाले महल में बास करती होंगी, दर्शन अर्शन पाओ। शहर वाला महल? अरे भैया, शहर वाला महल इसलिए कह रहे होंगे कि गोरन ने किला छीन के उन्हें शहर में भगाई दिया है। वो महल वेल नहीं है, पर रानी बसती होंगी तो इसलिए महल बजता है। भैया आजकल तो राजा रानियन का यह गत बनाई दी है अंग्रेजन ने, आप जाओ तो, सुना है रानी बहुत धर्मात्मा हैगी। अच्छा, संध्या समय मिलेंगे, प्रभु इच्छा होए तो। राम राम। अच्छा राजा पंडित। अच्छा राम राम। बार्मी नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के नाम चिट्ठी। सुनी तो हमने सोची थी कि बलवा होगा है, लेकिन क्यों नहीं सोची थी कि बात यहां तक फैल गई है। एक आध रेजिमेंट का घरेलू मामला नहीं रह गया हैगा, जंगल की आग किनाई फैल गई हैगी, आप ही शांति से बैठे हो, गोरन की कितनी फौज हैगी यहाँ? फौज को सवाल नहीं है, पर ना तो हमारे पास उमदा हथियार है और ना रुपया, बारूद खाना और खजाना पर काबिज हो जाओ। चुका इतना आसान समझे थो? हाँ, अगर बारूद खाना पर कब्जा होगा तो किला जीते ही लो समझो। एक ट्रिक है ना, हम हमला करेंगे, आप बचाव करो, और ऐसे ही में बारूद खाना के गार्ड से कहो बागी सिपाही आए हैं, गोला बारूद चाहिए, जरा होशियारी से करो तो पट जाएगा और हम किले में घुस जाएंगे। क्योंकि बच्चन को खेल समझ लो है। इनकलाब बच्चन का खेल नहीं है, हम जानत हैं, पर ज्यादा से ज्यादा कहा होगा कुछ सिपाही खेत रहेंगे और कहा, मन में ये संतोष तो रहेगा कि अंग्रेजन का खातिर नहीं मुल्क का खातिर मरे।
का जो बात तो साची गई। तैयार रहो। आप तो धर्मात्मा हैं श्रीमंत बाई साहेब, हमने आपकी ख्याति दूर कोंकण में सुनी है और इसीलिए तो इतनी दूर चल के यहां आए हैं। भजन पूजन के कार्य में आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अब तो सिर्फ भजन पूजन ही रह गया है, फिर भी आप इतनी दूर से आए हैं। कुछ दिन रुकें, अनुष्ठान चल रहा है उसमें भाग लें, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। श्रीमंत भाई साहब, दो अंग्रेज अफसर द्वारे ठाड़े दर्शन चाह रहे। अंग्रेज अफसर? वो क्यों आया है? बुलाओ उसे। आप जरा रुकिए। ग्रीटिंग्स रानी साहिबा। प्रणाम। कहिए कैसे कष्ट किया? कंपनी सरकार अब मुझसे क्या सेवा चाहती है? The soldiers have mutinied, Rani Sahiba. They have seized the magazine. We have come to ask for your help. इतने शक्तिशाली अंग्रेज, एक विधवा रानी से उसका राज छीनने वाले, एक औरत आपकी क्या मदद कर सकती है? This is an emergency situation. Our lives are in danger. We are afraid that they will kill us all. मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर भी आपका भय अपनी जगह सही है। Only you can protect us now. वो कैसे? मेरे पास ना फौज है, ना हथियार, ना रुपया। आपकी फौज के सिपाही भी झांसी के नहीं है। मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी सलाह है आप दतिया चले जाइए, यही बेहतर होगा। All the roads are in the hands of the mutineers. We cannot hope to escape out of the city. We must hole up in the fort. It's the only safe place for us. हाँ, तो फिर वहां उठ जाइए। आखिर किला भी तो आप ही के अधिकार में है। We can hold out for some time. It's an impressive fort and not at all easy to capture. The problem is provisions. मेरे पास जितना है ले जाइए। मैं शहर में से खरीद के कहां से दूं? मेरे पास रुपया तो है नहीं। मेरी माली हालत आपसे छिपी नहीं है। Get it on credit. Get it on loan. Get it anyhow. We'll settle up after all these troubles are over. कर्जा चुकाना आपका इतिहास नहीं है। We shall never forget this help, never. ये आप हमेशा कहते आए। आपकी विपदा के समय झांसी के राज ने आपकी हमेशा मदद की, लेकिन झांसी का खालसा करते वक्त आप वो इत्मीनान से भूल गए, मुझे भिखारी बना दिया। I assure you. मुझे आपकी वादों की जरूरत नहीं है। मैं जो आपकी मदद करने जा रही हूँ वो सिर्फ इंसानियत के तकाजे और कोई वजह नहीं है। मैं नहीं चाहती कि झांसी में कोई भी भूखों मरे, चाहे वो हिंदुस्तानी हो चाहे कोई और। आप किले में जाइए, सामान पहुंच जाएगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू। वी विल गो टू द फोर्ट। वी मस्ट टेक द फैमिलीज देयर टू। मनु, हम इन विश्वासघातियों को भोजन सामग्री क्यों दे? बाबा, इस देश में भोजन के लिए मना नहीं किया जाता ना। भाई साहब, हम दिल्ली जा रहे होंगे, हमें रुख्सत दो। आप हुक्म दें तो आपके सपूत को गद्दी पर बिठाए के फिर जाएं। आप तो ये करके चले जाओगे। अगर अंग्रेज ने दोबारा झांसी की तरफ रुख किया तो झांसी की रक्षा कौन करेगा? अब्बे गोरा इधर नहीं आएगा भाई साहब, और जो आया तो हम उसे दोचल के धर देंगे। ये इतना आसान नहीं होगा। अब के मुकाबला औरतों, बच्चों और भूख से बिलबिलाते मर्दों से ना होगा। निहत्थों को मारने वाली बात नहीं है। आप फिक्र मत करो भाई साहब, वो हम सब ठीक करा देंगे। तुम झांसी की चिंता मुझ पर छोड़ दो। अगर मुझे झांसी की गद्दी अंग्रेजों से छीननी पड़ जाए तो मैं रुख्सत लेते हुए सिपाहियों से आज्ञा नहीं लूंगी, अपने बल पर लड़ूंगी।
कहने ही कहा हैगा। भाई साहब कुछ हथियार और कुछ रुपया मिल जाता तो। तुम तो जानते हो मेरे पास न फौज है न रुपया। जो थोड़ा बहुत था किले के अंदर था वो तो तुम लोग हासिल कर ही चुके होगे। तो अब आप अपने खजाने से दिलवा दें। खजाना खाली पड़ा है, अंग्रेज सब लूट ले गया, मेरे लिए ये महल छोड़ दिया है। मुझे 5,000 महाना वजीफा मिलता है, उससे क्या होता है? अपने बेटे दामोदर राव के यज्ञोपवित संस्कार के लिए मुझे अंग्रेज के सामने दामन फैलाना पड़ा था, जबकि रकम मेरी थी और अंग्रेज उसे दबा के बैठा था कि दामोदर राव के बालिग हो जाने पर उसे देगा, और उसने कुछ भी नहीं दिया। भाई साहब आपने पीढ़ी दर पीढ़ी राज किया हैगा, सो आपकी गंगाजली तो होगी ही, तो उसमें से कुछ रुपया निकलवा दो। हमने गंगाजली के नाम में अपना कोई भी रुपया नहीं रखा है। तो क्या किया जाए, आप ही बताएं। हमें कम से कम 3,00,000 रुपए की रकम चाहिए। रकम पाए बिना हम झांसी छोड़ा ही नहीं सकेंगे। अगर आप इजाजत दो तो जे रकम हम शहर से उगा लें। तुम मेरी झांसी लूटोगे? नहीं, कभी नहीं। अब जे भी नहीं वो भी नहीं, भाई साहब ऐसे बात कैसे बने? हमें तो रुपया चाहिए, आप कहीं से भी दिलवाओ पर दिलवाओ, रुपया हाथ में आते ही हम दिल्ली को कर लेंगे। ओ ठीक है ना? और का साची बात, काल कले सो आज। मुझे शाम तक की मोहलत दो, सोचने दो। भाई साहब इतना बता देते हैं कि हम ज्यादा नहीं रुक सकते, बाकी जैसे आप हुक्म दो। चलो भाई। मनु 3,00,000 रुपए हम कहां से लाएंगे? हमें शहर के हर महाजन के पास जाना होगा, रुपया मांगना होगा। अगर जरूरत पड़े तो मेरी मोहर लगाकर कर्ज पत्र लिखवा लीजिए। लेकिन बाबा हमारे पास जो बाकी बचा है बेच दीजिए, लेकिन रुपया खड़ा कीजिए। महाजनों को कह दीजिए कि रुपया अभी हाल मिलना चाहिए। अगर वो मना करते हैं तो उन्हें आगाह कर दीजिए कि बागी सिपाही शहर में लूट मचा देंगे, इसलिए अपनी सुरक्षा की खातिर हमारी सहायता करें। दूसरा उपाय नहीं है बाबा। अठारह सौ सत्तावन की बगावत महज एक फौजी गदर नहीं था, बल्कि बहुत तेजी से फैलकर उसने एक आम बगावत की शक्ल इख्तियार कर ली और हिंदुस्तान की आजादी की जंग बन गई। एक जन आंदोलन की हैसियत से यह जंग दिल्ली, आज के उत्तर प्रदेश, मध्य भारत और बिहार तक ही महदूद रही। असल में ये एक सामंतवादी विस्फोट था जिसकी अगुवाई की जागीरदारों और उनके हिमायतियों ने, मगर फिरंगियों से नफरत के जज्बे ने इसे भड़काया। इस सूरत में लाजमी था कि मुगलिया सल्तनत के टिमटिमाते चिराग को एक प्रतीक माना गया, वो बादशाह जो कमजोरी और बेबसी के आलम में दिल्ली के लाल किले में बैठा था। हिरण्य